जिसे कभी मछुआरों ने बनाया था, इसे मुंबा देवी के नाम से इस धरती को जाना जाता है। दुनिया में महाराष्ट्र का नाम दूसरे नंबर पर आता है। पर्यटक जब पन्ना खोलते हैं तो जो दुनिया के लोग जो घूमने आते हैं तो उसमें मुंबा देवी का नाम सबसे पहले आता है। और आगे लिख के आता है कि उसे मछुआरों ने बनवाया था, और लिखा और आता है कि ये मछुआरों का प्रदेश है। तो मैं तो कहता हूँ प्रदेश छोटा है, ये देश ही मछुआरों का है। हम उनको मैं देखो दो तीन बातें कहूंगा, क्योंकि मेरे साथियों ने सारा समय आप लोग 12 बजे से बैठे हो, कितने लोग नागपुर से, पुणा से, बॉम्बे के सभी कल्याण से, बसई से, शांतापुर से, थाने से, कांदीवली से, बोरवली से, फिर सारे क्षेत्रों से आज अपने रोजी रोटी को बंद करके, अपनी मजदूरी को बंद करके, अपने व्यवसाय को बंद करके आज के इस निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के का ये जो कार्यकर्ता बैठक है, एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये आम सभा नहीं है। मैं आज के 3 साल पहले एक किताब लिखा था, उसका नाम था निषाद वंश। उस निषाद वंश को लेकर मैं आया था और शांतापुर में मेरे कुछ साथी यहाँ बैठे हैं। मैं वो किताब सप्रेम भेंट करने के लिए आया था और उस किताब के साथ एक कैलेंडर लेके आया था कि निषाद राज गुरुराज महाराज का जो फोटो यहाँ लगा हुआ है मूर्ति, इस मूर्ति का एक फोटो लेके आया था और ये संदेश देने के लिए आया था कि 13 जनवरी 2013 को हमने 23 लोगों के साथ उस निषाद राज के किले पर जाकर एक ही संदेश देने आया था कि 23 लोगों के साथ निषाद राज के किले पर जाकर मैंने कसम खा के आया हूँ। इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर 23 किलोमीटर चलने के बाद 3 किलोमीटर का जो किला है, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, आज से 2000 वर्ष पहले निषाद राज फिल्टर पानी से स्नान करते थे और अयोध्या से जब राम निकाले गए, कि राम की घटना की बात छोटी है, वाल्मीकि रामायण में बड़े मोटे हेडिंग में लिखा है कि अयोध्या के प्रधानमंत्री जो अवध प्रांत था, अवध देश था, उसके प्रधानमंत्री सुमंत निषाद थे। तो कभी आप वंश में प्रधानमंत्री थे, पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए काम कर। मैंने यही संदेश दिया था कि सुमंत निषाद कभी प्रधानमंत्री थे और निषाद राज का किला चिल्ला के कहता है कि कभी हम राजा थे तो नाक कान गला चेहरा माँ बाप से आता है, आवाज भी माँ बाप का आता है, रहन सहन भी माँ बाप का आता है, सोच विचार भी माँ बाप का आता है। हमारी सोच को छोटी कर दिया गया, धर्म के मकर जाल में बढ़ाकर हमको नीच बना दिया गया। इन बेईमानों ने हमको कहीं नहीं छोड़ा। मैंने यही संदेश दिया था शांता कुंज में, एक कार्यक्रम रखा था मेरे साथियों ने कि भाई अगर 3 लोगों के साथ कसम खाया कांसी राम ने जाकर वोट कलम मैदान में, तो डॉक्टर साहब 23 लोगों के साथ कसम खाए हैं, आप ही कसम खाए। महाभारत हुआ था, कृष्ण ने कहा था हम सुई के नोक के बराबर हिस्सा नहीं देंगे, तो मैंने आप लोगों से बॉम्बे वालों से यही कहा था। इसलिए मैं बॉम्बे चल के आया था कि बॉम्बे माया नगरी है,
यहां पैसे के लिए लोग आते हैं, अपने बच्चों अपने आने वाली पीढ़ी के भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। तो बॉम्बे में वही रहता है जिसे पैसे की सोच होती है। तो मैंने आप लोगों से यही कहा था कि जब निषाद राज गोहरान महाराज किले में रहते थे तो अपनी कलम से नोट छापते थे, तो दोबारा सत्ता अपने हाथ में लो, जैसे मोदी नोट बंद करता है नोट छापता है, जैसे निषाद जी से नोट छापने का काम करेगा। तो क्या मैं रास्ते से हट गया? नहीं। बोलो भाई, क्या मैं रास्ते से हट गया? नहीं। क्या मैं दूसरा कोई काम कर रहा हूं? तो आपको अपना वादा, मैं बार बार इसीलिए मामले में आता हूं कि हमारे लोगों का जो वादा है उसमें लोग जहर डालने का काम करते हैं। मैं वादा दिलाने आता हूं कि अगर 2013 में आप कसम खाए हो तो डॉक्टर साहब की कसम खाने के बाद आप कसम खाए हो पहले मैं जान दूंगा, आप भी मेरे साथ जान देने के लिए तैयार हो। इतिहास रहा है कोलियों का, इतिहास रहा है भीलों का, इतिहास रहा है हमारे राजाओं का, क्या कभी झुका है? अरे आवाज सुनो, कभी हमारा समाज झुका है? तो हम लोग झुक कर प्रणाम करेंगे, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को प्रणाम करेंगे। तो हमारे राजा कभी हुआ करते थे तो मानते थे कि देते थे। अरे नाक कान गला चेहरा अगर माँ बाप का आया है तो निषाद राज का खून आया है कि नहीं आया? तो ठंडा रहेगा कि गरम? कमजोर रहेगा कि शेरने से? आवाज कैसे रहेगी कमजोर की शेरने से? तीन आवाज बोलो जय निषाद राज, एक साथ हाथ उठाकर बोलो जय निषाद राज। अगर आपकी आवाज हमने तेज की है तो ये जो सरकारें हैं, ये घोंगी भरी जो सरकारें हैं जो 70 साल से वोट ले रही हैं, कभी निषादों की गिनती नहीं करते थे, कभी आपको कहीं से टिकट दे देते थे और वो विधायक एमपी एमएलए बना देते थे। मेरे पिताजी के साथ वो इनकम टैक्स में थे तो कभी हमने हमारे यहाँ विधायक हुआ करते थे वो कौड़ी राम वाले पुराने वाले लालचंद जी, हमारे यहां वीर बहादुर सिंह कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री वो बनकर मेरे निषाद के घर में पैसा रखकर आपने बिरादरी को सारा पैसा बांट दिया, एक भी पैसा निषादों को नहीं दिया। इसके मतलब सत्ता क्या है, पैसे का खेल है कि नहीं है? बोलो भाई सत्ता क्या है, पैसे का खेल है कि नहीं है? कमजोर है कि पावर है? अगर पावर आपके निषाद राज के पास था तो पुनः आप दोबारा पावर लेने के लिए तैयार हो? बोलो तैयार हो? अगर तैयार हो तो मैं भेड़ नहीं खोजने आया हूँ, मैं भेड़िहार खोजने आया हूँ। हमारे जनता को भेड़ बना लिया है, इनको हाथों वोट करवा लो, नोट पर कब्जा कर लो। हमारा वोट लेकर नोट पर कब्जा कर लिया तो बॉम्बे वालों से मैंने एक बात और कहा था कि हमें पैसा नहीं चाहिए, जैसे मोबाइल में आप जो है एक बार आवाज देते हो तो ऊपर सेटेलाइट पर जाता है और सेटेलाइट से चारों तरफ फैल जाता है, तो बॉम्बे में पूरे देश के लोग आके बसते हैं। मैं यहाँ सेटेलाइट पर आवाज देने आया हूँ और यहाँ से आवाज जो पूरे देश में फैल जाता है। तो बॉम्बे वालों ने एक हिम्मत जुटाई, आवाज को बुलंद किया और बॉम्बे वालों ने कहा कि मैं ऊपर के मन से नहीं अंदर के मन से, ऊपर के मन से नहीं साथ रहूंगा, जब रहूंगा तो दिल से साथ रहूंगा। तो बॉम्बे वालों ने दिल दे दिया है और उसके बदले हम लोगों ने चुनाव लड़कर दिखा दिया। साथियों मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जो समर्थन दिया, जो ऊर्जा दिया, जो रास्ता दिया, जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक मैंने कहा था कि अगर आरएसएस के पेड़ से भाजपा निकलती है, बाम सेफ के पेड़ से बहुजन समाज पार्टी निकलती है, तीन लोग कसम खाए उत्तर प्रदेश की 4 बार गद्दी पर बैठे, हमसे तीन उनसे तीन गुना ज्यादा लोग हैं और अब
अपने समाज को मैं इतिहास बताकर जगाऊंगा, हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। जिस दिन हमारा समाज जान जाएगा, कभी भी किसी के पीछे चलने का काम नहीं कर। साथियों, मैंने राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, वो स्कूल है, उस स्कूल में हमारे जो विद्यार्थी पढ़े, जो कार्यकर्ता पढ़े, पदाधिकारी बने, चाहे दिन रात बिना खाए चलते रहे, और पूरा 3 साल में कांसी राम को 30 साल लगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने जो जोश खरोश दिखाया, 3 साल के अंदर चुनाव लड़कर लखनऊ में अपना खाता खोला। अगर आप लोग इसी तरीके से चलते रहे तो जैसे मेरे हरिगोविंद भाई ने, ये कभी हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र में इन लोगों ने राजनीतिक बीज बोई थी। राजनीति कैसे की जाती है, ब्लॉक प्रमुख रहे, उप ब्लॉक प्रमुख रहे, इन लोगों ने चुनाव लड़कर राजनीति के दांव पर कैसे आगे बढ़ा जाता है, इन लोगों ने, कुछ लोगों ने जमुना निषाद, माननीय रामभूपाल निषाद, और इन लोगों ने वहां के निषादों का जो अत्याचार होता था उस पर रोकने का काम किया। लेकिन हमारे लोग, हमारे नेताओं पर ही जब अत्याचार होने लगा, हमारे नेता जो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में रहे, उन्हीं नेताओं पर जब अत्याचार होता रहा, तो जमुना निषाद को जेल में डालने के बाद मेरे दिमाग में आया कि महान बोलन देवी, जो आयरन पूरी दुनिया की एक ऐतिहासिक महिला थी, अपने ऊपर अत्याचार का बदला लिया, पूरी दुनिया के लोगों ने उनको सम्मान की निगाहों से देखा, ऐसी ताकतवर महिला को खत्म कर दिया। जमुना निषाद को लाल बत्ती लिए जेल में डाला, 29 महीने जमानत नहीं होने दिया, उनको बकरी बना के रखा, 5 फुट नीचे पानी पीने वाली बिरादरी सत्ता में आने के बाद आपके शेर को 29 महीने जेल में रखा, और निकलने के बाद 29 दिन भी नहीं बीता, उनको धरती छोड़ना पड़ा। रघुवरदास वर्मा, नारायण सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, ऐसे ढेर सारे लोग, मैं 1 दर्जन नेता हमारे सामने मारे गए। हमने समीक्षा किया कि अगर इसी तरीके से हम नेता बनाते रहे, अपने नेता का जयकार लगाते रहे, और जब नेता अपने हक की आवाज जाकर सदन में उठाने की बात करता है, अपने लोगों को टिकट की बात करता है, अपनी संख्या गिनाता है कि मेरी इतनी संख्या है, इतना टिकट चाहिए, इतना मंत्रालय चाहिए, नौकरी चाहिए, हमारे समाज के लिए कानून बनना चाहिए, उनको रास्ते से हटा दिया जाता है, तो मैंने कसम किया है कि जिन लोगों ने हमारे समाज को रास्ते से हटाया है, इन पार्टियों को भी रास्ते से हटा दो। आज के दिन में वो कहीं के नहीं रह गए हैं, इन पार्टियों ने बदनाम किया, हमारा नोट वोट लूटा, नेताओं को भी कहीं का नहीं रखा। तो मैंने ये कहीं आंदोलन जब लखनऊ में किया कि मुख्यमंत्री जी, मैंने जाकर अपने साथियों से कहा था, जौनपुर में, इलाहाबाद में जाके कहा था कि मैं 75 जिले पहले जाऊंगा और 75 जिलों के लोगों को जगाऊंगा कि तुम्हारा लिखा हुआ जो आरक्षण है, आरक्षण के बदौलत, आरक्षण के बदौलत मायावती सत्ता में आई, आरक्षण के बदौलत मुलायम सिंह सत्ता में आए, आरक्षण का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, मंडल कमीशन का विरोध करके, और कांग्रेस सारे आरक्षण को मटिया मेज करके 7 साल तक थी। तो मैंने इनसे कहा, असली हकदार इस देश को आजाद कराने वाला ये मछुआरा है, इसका आरक्षण लिखा हुआ है, असली राजनीतिक होगा तो संविधान में लिखे हुए, अगर दलित समाज ने हिस्सा ले लिया, 1950 में अगर संविधान लिखा गया तो सभी लोगों को हिस्सा मिला, यादव जी को मिला, मायावती के लोगों को मिला, मोदी योगी को मिला, तो उसी संविधान में हमारे लोगों को भी लिखा है, मधवार गौतरैया प्रवाद बेलदार करो, तो तुम जो है सिर्फ और कोई लिखा हुआ है तो आरक्षण भी लेंगे,
अपने समाज का हक जीता दी है। तो संविधान में लिखा हुआ बात खराब है कि असली है? बोलो, संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मायावती के लोगों को मिला कि नहीं मिला? मुलायम के लोगों को मिला कि नहीं मिला? हम लोगों का गलत नाम इधर से उधर फुटबॉल की तरह है कि नहीं है? बोलो भाई, हाँ कि नहीं? उत्तर प्रदेश में मेरा नाम पिछड़ी से निकाल दिया गया, उधर अनुसूचित भी नहीं है, मुकदमा चल रहा है और उधर डीएम कलेक्टर कहते हैं मुकदमा फैसला होगा तो दिया जाएगा। तो मैंने कहा डीएम साहब घबराओ नहीं, एक महीना बीत जाने दो, तुम्हारा गला दबा कर मार डालूंगा अपने समाज का।